अहोम्स हमारे हिस्ट्री बुक से गायब एक ऐसा एम्पायर जिसने कभी भी मुगलों के सामने हार नहीं मानी थी। मुगल जो पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर चुके थे, वो कभी नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा ही नहीं कर पाए थे, क्योंकि अहोम से वो एक नहीं दो नहीं 17 बार हारे थे, और ऐसे हारे कि फिर उन्होंने अहोम्स की ओर नजर उठाने की कोशिश भी नहीं की थी। पर आखिर इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ क्यों था? क्यों मुगल नॉर्थ ईस्ट के इस एरिया को चाहते थे? इतनी छोटी सेना होने के बावजूद अहोम्स ने कैसे मुगलों की इतनी बड़ी सेना को हरा दिया था? क्या है वहाँ के उन वीर योद्धाओं की कहानी जो असम के लोग आज भी अपने लोकगीतों में गाते हैं? पर वो वीर आज हमारे इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गए हैं। आज अननोन की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अहोम्स ने हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट को एक युद्ध में जीता था, जिसके बाद वो बर्मा से यहाँ आए। उनका अभी तक सिर्फ एक ही धर्म था, प्रकृति की पूजा करना। पर हिंदुस्तान में आने के बाद उन्होंने सिर्फ यहाँ की जमीन नहीं, यहाँ के लोगों को अपनाया, उनके कल्चर को अपने साथ जोड़ा, लोगों को एक ऐसा सुरक्षित राज्य देने का वादा किया जहाँ सभी अपने कल्चर और धर्म को फॉलो करने के लिए आजाद होंगे। उनके अपने कल्चर को लोगों पर ना थोपने और उनकी यूं आजादी देने की वजह से लोगों ने काफी पसंद किया। यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता था, और इनके इस बिलीव ने मुगल्स को उनके अगेंस्ट कर दिया। हुआ यूं था कि अहोम्स को अपने राज्य में इलीगल ट्रेडर मिला था, वो मुगल्स के लिए काम करता था। ये पता लगते ही उन्होंने उस ट्रेडर को राज्य से बाहर कर दिया था। जैसे ही ये बात मुगल्स को पता चली, उन्हें एक मौका मिल गया था नॉर्थ ईस्ट पर युद्ध करने का, उस जमीन पर कब्जा करने का। तो उन्होंने अपनी एक सेना अहोम्स पर हमला करने के लिए रवाना कर दी। वो पहले से ही अहोम्स पर हुंकार करना चाहते थे, पर अहोम्स के एक कदम ने उनको बढ़ावा दे दिया था। उन्होंने अहोम्स पर हुंकार किया, वहीं अहोम्स ने पलटवार किया, और ऐसा युद्ध कई बार हुआ क्योंकि अहोम्स अपने मातृभूमि को मुगलों के हाथ नहीं सौंपना चाहते थे। अहोम्स और मुगल्स के बीच हुए इन युद्ध ने काफी नुकसान कर दिया था दोनों ही तरफ। कई सैनिक मारे गए थे और इकोनॉमिकली भी ये दोनों अनस्टेबल हो चुके थे, जिसके बाद इन दोनों ने पीस ट्रीटी को साइन करने का फैसला किया। इस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ असरर अली, जिसको 1639 में साइन किया गया था। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे के राज्य से दूर रहेंगे और एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि इस ट्रीटी के बाद सब सही हो गया होगा, सब खत्म हो गया होगा, पर अभी तो शुरुआत होनी बाकी थी एक ऐसे युद्ध की जो सब कुछ बदलने वाला था। करीब 10 साल बाद अहोम्स के राजा राजा जयध्वज ने फैसला किया कि अब वो इकोनॉमिकली स्टेबल कंडीशन में है, तो क्यों ना मुगल्स के पास से उनकी जो थोड़ी सी जमीन है वो भी ले ली जाए। उन्होंने वही किया, युद्ध हुआ, अपनी जमीन वापस ली। फिर जो मुगल्स ने पलटवार किया वो अहोम्स पर भारी पड़ गया। वो गुवाहाटी हार गए थे। राजा जयध्वज को मुगल्स ने गुवाहाटी हारने पर कन्विंस कर लिया था कि पहली इंस्टॉलमेंट 3 लाख गोल्ड कॉइन्स और मुगल हरम के लिए अपनी बेटी देने को। राजा जयध्वज को ना चाहते हुए भी वो करना पड़ा। पहली इंस्टॉलमेंट की बात थी, दूसरी इंस्टॉलमेंट की बारी, पर इस बार अहोम्स के राजा राजा चक्रध्वज संभाल रहे थे। उन्होंने इंस्टॉलमेंट देने की बजाय गुवाहाटी वापस लेने का फैसला किया था। उन्होंने अपने सबसे वीर योद्धा लचित बोरफुकन को मुगलों से लड़ने के लिए भेजा, और राजा चक्रध्वज के इस फैसले ने हमारे इतिहास में एक वीर नाम जोड़ दिया था। लचित बोरफुकन ने गुवाहाटी तो जीत ली थी, पर वो ये समझ गए थे कि अब जो मुगल्स हैं वो शांत नहीं बैठने वाले हैं। अब वो और बड़ी सेना के साथ अहोम्स पर हमला करेंगे, और उन्होंने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। मुगल्स ने इस बार सेना तैयार की, जिसमें 30,000 सैनिक, 15,000 आर्चर्स, 18,000 कैवलरी, 5,000 गनमैन, 40 वॉरशिप और 1,000 सोपे शामिल थी। और फिर मुगल्स ने अहोम्स पर हमला करने का फैसला किया। पर इतनी बड़ी सेना के सामने अहोम्स कैसे जीत पाते? उनकी सेना तो काफी छोटी थी, पर लचित बोरफुकन ने इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का काम किया था। लचित बोरफुकन ये समझ गए थे कि इतनी बड़ी सेना का सामना एक साथ करना पॉसिबल ही नहीं है, तो उन्होंने बनाई एक स्ट्रैटेजी। उनके राज्य तक बस दो रास्तों से पहुंचा जा सकता था, एक असम हिल्स और दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी से। उन्होंने हिल्स के बीच के रास्तों पर पत्थर और मिट्टी के टीले बना दिए, जिससे मुगल सेना आना पाए और उनको दूसरा रास्ता लेना पड़े। ब्रह्मपुत्र नदी के सरीगढ़ के रास्ते नैरो थे, इसलिए अहोम्स की सेना ने वहां से मुगल्स पर हमला किया और इनसे ये युद्ध जीत लिया। पर मुगल्स यहां शांत नहीं हुए। वो 15वें युद्ध के बाद एक नई स्कीम सोचने लगे थे, और वो थी डिवाइड एंड रूल की। उन्होंने अहोम्स के लालुक बोरफुकन से 4 लाख गोल्ड कॉइन्स और राजा बनने का एक वादा किया था। अब वो लालच में आकर मान गए। ये मुगल्स की बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी थी, अपने मकसद पूरा करने के लिए लोगों में फूट डलवा देते थे, और वो इसमें इस बार भी सक्सेसफुल हो गए थे, और मुगलों ने अहोम्स के राज्य पर कब्जा कर लिया था। कुछ समय तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई और मुगल्स बिना किसी चिंता के बैठे थे।
अब जब अहोम्स ने अपना अंतिम युद्ध लड़ा, अपना राज्य वापस हासिल किया, अब इतनी शर्मनाक हार के बाद मुगल्स दोबारा नहीं चाहते थे कि वो अहोम से लड़े, और फिर उन्होंने कभी अहोम्स के राज्य पर हुंकार नहीं किया, और उसके बाद 200 साल तक अहोम्स ने नॉर्थ ईस्ट पर रूल किया। आज भी असम के लोक गीतों में हमें अहोम्स की वीरता की कहानी मिल जाती है, वो कहानी जो हमें हिस्ट्री बुक्स में नहीं पढ़ाई जाती। उसमें बताया जाता है कि लचित बोरफुकन एक ऐसे वीर थे जिन्होंने बीमारी की हालात में भी अपनी धरती से मुगलों को दूर रखा था, पर हमें ये पढ़ाया ही नहीं जाता। हमें पढ़ाया जाता है मुगलों की जीत के बारे में, उनकी हार के बारे में नहीं। हमें पढ़ाया जाता है अकबर द ग्रेट रूलर के बारे में, पर उस युद्ध के बारे में नहीं जिसने महाराणा प्रताप की वीरता की मिसालें जग जाहिर कर दी थी। उस युद्ध के बारे में नहीं जिसने चेतक को अमर बना दिया था। अगर आप भी जानना चाहते हैं अकबर और महाराणा प्रताप के बीच इस युद्ध के बारे में, तो ये रही वीडियो। जय हिंद।